तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, जिसके हीरो मतलब लीड रोल में है शाहिद कपूर और कृति सैनन। और ये मूवी के बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर तुम एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि ये तुम्हारा दिमाग घुमा देगी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी होगी, तो भी तुम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो। और अगर तुम ये मूवी का इस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हो कि यार बहुत ही बोर हो जाओगे, मतलब देखा ही नहीं जाएगा, तो भी तुम गलत एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो। अब बाकायदी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मूवी है किस बारे में। तो अगर पहले मूवी की बात करें तो मूवी है एक लड़के की जिसकी शादी नहीं हो रही होती है या वो करना नहीं चाहता है क्योंकि उसको उसके मन मुताबिक लड़की नहीं मिलती है। उसके परिवार वाले इस कोशिश में जारी रहते हैं कि उसकी शादी हो जाए क्योंकि उसके एक मामा रहते हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई रहती है, बट वो कोशिश कामयाब नहीं होती है। उतने में ये लड़का जो कि रोबोट्स को टेस्ट कर रहा होता है, प्रोग्रामर होता है उसका, वो अपनी मौसी के पास अमेरिका जाता है जिनकी भी एक कंपनी होती है जिनमें वो एक रोबोट बनाती हैं। उसी रोबोट में से एक रहती हैं सिफ्रा यानी कृति सैनन, जिनको प्रोग्राम किया जाता है, उन पर टेस्ट चल रहा होता है और वो एक ट्रायल पीरियड में ही रहती हैं। अब ये बात अपने हीरो को पता नहीं होती है और हीरो पड़ जाता है उसके प्यार में क्योंकि वो लड़की मतलब उससे कनेक्ट कर पाती है और ये कनेक्शन फील होता है और उसके साथ फिर संभोग भी करते हैं वो। और जब उनको बाद में सुबह रियलाइज़ होता है कि वो एक रोबोट है तो उनको बहुत ही दुख पहुँचता है क्योंकि पहली बात तो उन्होंने एक रोबोट के साथ संभोग कर लिया था, ये बात का भी दुख है, और दूसरी बात उनके मतलब उनके अंदर उस रोबोट के लिए प्यार उमर पड़ता है। अब कहानी इससे थोड़ा आगे बढ़ती है और वो घर आ जाते हैं, उनके लिए फीलिंग्स जाती नहीं है, फिर वो कैसे उस रोबोट को बुलाते हैं घर पे, कैसे वो मतलब उससे शादी वगैरह करने की कोशिश करते हैं, फिर लास्ट में क्या सीन होता है, कैसे सिचुएशंस बदलती हैं और फिर वो लास्ट में जा कर के एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन होता है। उनके घर वालों को पता चलता है, कैसे पता चलता है, कैसे हैंडल करते हैं, क्या सिचुएशन होती है, ये तुम मूवी में देख के जानो। अब अगर बात करें मूवी की तो मूवी मीडियोकर है, मतलब अगर एक्टिंग की बात करो तुम पहले तो एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है, शाहिद कपूर कमाल के लगे हैं, कृति सैनन भी लाजवाब लगी हैं, बाकी जो साइड सपोर्टिंग रोल में हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत लगे हैं। डिम्पल कपाडिया और धर्मेंद्र जी का ज़्यादा रोल नहीं है बट जितने देर भी वो स्क्रीन पर रहते हैं तुमको उनको देख के मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें तुम्हें अटपटी सी लगेगी, कुछ बातें तुम्हें अटपटी सी लगेगी, बट ये मूवी जो है वो तुम एक बार में देख जाओगे, मतलब ये ऐसा है कि वन टाइम वॉच है, ये तुम्हें उतना ज़्यादा हंसाती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं करती है। इस मूवी का रिव्यू मैं अगर मैं कैसे ही एक वर्ड में बताना चाहूँ तो ये बहुत ही मिडवे में है। अगर इसकी सबसे घटिया और मतलब बेतुकी बात है इसमें वो है राइटिंग बहुत ही लेजी लिखी गई है, मतलब तुम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख सकते थे क्योंकि रोबोटिक्स पे बहुत मूवीज़ बनी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हैं, हॉलीवुड में भी बनी है, साउथ में भी बनी है, इनफैक्ट रजनीकांत करके एक टीवी सीरीज आया करती थी स्टार वन पे, मुझे अभी भी याद है, उससे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस है इसका। मतलब डायरेक्शन में थोड़ी सी चूक है क्योंकि तुम चीज़ों को देखोगे तो तुम्हें कनेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि ज़बरदस्ती के डाले गए हैं जो कि नहीं भी होते तो काम चल जाता, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिसमें ज़बरदस्ती का हंसाने का कोशिश किया गया है बट वो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल तो लाती हैं बट कहीं ना कहीं तुम ये समझ जाते हो कि नहीं यार मतलब ये उतना तगड़ा कुछ था नहीं और ये तो कहीं सुना सुनाया सा लगता है। एक पॉइंट के बाद ये तो अमेरिका से है, ये बार डायलॉग भी बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता है। लोग एक जगह पे कमेंट भी है कि उसकी बुआ वगैरह बैठी रहती है तो बोलते हैं स्किन बहुत गोरी है और वो गोवा से है, ये थोड़ा सा रेशियल स्लर है बट इंडिया में चलता है, बट अगर कहीं बाहर होता तो इस पे बवाल उठ सकता था क्योंकि स्किन कलर पे कमेंट चल रहा है। एक और चीज़ जो कि शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम वो जो लव इमोशन है ना दोनों का, कृति सैनन और शाहिद कपूर का, उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तुमको अब दिमाग में आइडिया डाला हुआ रहता है कि अच्छा ये तो रोबोट है। वो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसमें फुल फ्लेज गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन दिया गया है, मतलब लड़के के अंदर भी पूरा प्रॉपर फीलिंग्स हैं और वो फीलिंग्स जो हैं वो तुम उससे नहीं कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर कोई रोबोट है
तो तुम उससे फिजिकल हो सकते हो बट इमोशनल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक हॉलीवुड में मूवी आई थी हर करके, उसमें भी कुछ सिमिलर सिचुएशंस दिखाई गई थी, बस उसमें ये बताया गया था कि लड़का बहुत लोनली रहता है और वो बात करते करते उससे एक फ्रेंड वाला इमोशन डेवलप कर लेता है, वो फ्रेंड वाला इमोशन डेवलप हो करके एक इमोशनल अटैचमेंट में बन जाता है क्योंकि वो अकेला रहता है। यहाँ पे लड़का स्मार्ट है, लड़की को चिक्स भाव देती हैं, लड़का बस इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता किसी से, इसलिए शादी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में इतना अकेला है कि उसको एक रोबोट का सहारा लेना पड़ रहा है। ये चीज़ें तुम्हें दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो हिट करती रहती हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मतलब अगर राइटिंग थोड़ी सी बेहतर होती, थोड़ा सा और इसमें सोच समझ करके चीज़ें डाली गई रहती तो देखने में थोड़ा सा अटैचमेंट फील होता है कि भाई अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा सीन होता रजनीकांत जैसे कि लड़का ही उस रोबोट को बनाता है और वो शादी ही नहीं करना चाहता है लाइफ में, तो उसको लेकर के आ जाता है और अपने काम के प्रति उतना अगर रहता वो फोकस कि शादी नहीं करना है उसको। बट यहाँ पे तो ये है कि उसको शादी करनी है, उसको बस लड़की नहीं मिल रही है और जिससे उसका इमोशनल अटैचमेंट हुआ है वो एक रोबोट है, बट ये बात उसको पता चल जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि ऑडियंस इस चीज़ पे मैं कैसे समझाऊँ कि तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा सोच ही नहीं पाओगे कि यार अगर मैं इस जगह पे होता, मैं शाहिद कपूर की जगह पे होता तो मैं शायद इस लड़की से प्यार नहीं करता। तो यहाँ ये मूवी लैक करती है ये सब चीज़ें। बाकी अगर मैं बोलूँ लोकेशंस, गाने और डायलॉग्स भी ठीक ठाक लिखे गए, मतलब कहीं कहीं जोक्स ठीक ठाक लैंड करते हैं, कहीं कहीं नहीं लैंड करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है मूवी कि तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मतलब तुम देख के एकदम झटहा जैसा फील करोगे, ऐसा नहीं है। देखोगे, देख के मज़ा आएगा। फिर अगर जहाँ पे मैं क्लाइमेक्स की सीन की बात करूँ तो क्लाइमेक्स बहुत चीतर तरीके से लिखा गया है। मतलब क्लाइमेक्स ऐसा है कि ज़बरदस्ती का एक फ़ाइट सीन घुसाया गया है जो कि बहुत ही अननेसेसरी, फ़ाइट सीन भी नहीं है वो, ज़बरदस्ती का एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। और एक और चीज़, एक और फ्लॉ लगा मेरे को, मतलब एक जगह होता है जहाँ पे क्रिटी सेनन को, मतलब रोबोट को शाहिद कपूर पंच करता है, बट एक सीन में वो लाइक लिटरली 50 kg वेट ऐसा हवा में उठा लेती है क्योंकि वो स्टील से बनी होती है। तो स्टील से बनी रोबोट को पंच करना इट्स लाइक सुपर ह्यूमन बींग लेवल थिंग है वो, मतलब तुम समझ रहे हो कितना बड़ा बात है। तो वही चीज़ है कि ये छोटी छोटी डिटेल है ना, तुम एज एन ऑडियंस नोटिस करोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे ये बकायती की जा रही है। बट जो इसमें संभाला है ना, मैं अगर लिटरली बोलूँ किसी ने इस चीज़ को संभाला है तो वो संभाला है शाहिद कपूर की एक्टिंग ने, और छोटा छोटा जो एकदम मिनी सा वो बैंटर्स होते हैं उसने, मूवी बीच में बोर करती है फिर मज़ा देती है, एक लाइक का रोलर कोस्टर राइड टाइप का है जो कि तुमको देख के थोड़ा सा अनिजी सा फील हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हें बहुत ही मज़ा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा खींच रहा है मूवी को। तो यही है मेरा रिव्यू कि मतलब तुम देख सकते हो बट ये मूवी वन टाइम वॉच है, इसको बेटर बनाया जा सकता था, इसमें बहुत कुछ और ऐड किया जा सकता था, इसको बहुत कुछ और मसालेदार बनाया जा सकता था क्योंकि मोडोक फिल्म्स ऐसी है जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्म बनाई है, मतलब छोटे बजट में भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। धर्मेंद्र जी का ज़्यादा यूज किया जा सकता था, ये बेटर और प्रॉपर वे में यूज़ किया जा सकता था। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि रेसलर्स लगते हैं, रेसिस्ट लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये डालना ज़रूरी नहीं था यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक ज़बरदस्ती का घुसाया गया है। और एक और चीज़ जो मज़ेदार लगी मेरे को, यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड लिखा गया है, मतलब ये लोग इसको फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं और टू बी कंटिन्यूड का मतलब है कि अगर ये मूवी ठीक ठाक ग्रॉस करती है, मतलब पैसे कमाती है, तो इन लोगों ने एक प्लान किया हुआ है कि इसको पार्ट टू बनाएंगे। और एक और बहुत ही बड़ी नहीं बोलूँगा बट एक बहुत ही नोन एक्ट्रेस का एक कैमियो है इसमें लास्ट में जा कर के, जो कि मुझे देखना है कि यार अगर ये आगे बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट डालते हैं तो इंटरेस्टेड होता है यार इंसान। बट वही है कि अगर तुम पहले पार्ट में भी थोड़ा सा बवासीर वाली चीज़ डाल दो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। बाकी गाने मस्त हैं, वो तो तुमने देखे ही हैं, डांस नंबर मस्त हैं, शाहिद कपूर की एक्टिंग मस्त है, बाकी लोगों की भी एक्टिंग मस्त है। मूवी का मतलब मिलजुला के बाद बताऊँ तो अगर तुम्हें जाना ही है मूवी
और देखना ही है मूवी तो तुम जाके देख सकते हो उस मूवी को। यही था आज का रिव्यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा ये रिव्यू, कुछ और तुम वीडियो में चेंजेस देखना चाहते हो। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें मूवीज़ चाहिए, मतलब अगर तुम्हें मूवीज़ लिंक चाहिए, तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन पे है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि फॉलोअर्स चाहिए मेरे को। और बस, अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं किसी और बकैती वाले वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।